अरे तेरा साथ है तो सफर कट जाता है। गाड़ी ध्यान से चलाओ। अरे चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। आज बहुत खुश हूं डार्लिंग। हिलटॉप जा तो रहे हो, मगर जरा संभल के, क्योंकि भीमराव बहुत खतरनाक आदमी है। अगर भीमराव खतरनाक है तो मैं भी खतरे के नाक काटने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भीमराव को मौत का ऐसा धोखा दूंगा कि वो जिंदगी भर भूल ना पाएगा। तुम क्या करोगे? हम लोग पहले मुर्दा घर से लाशें चुरा कर बेचा करते थे, इस बार भी एक लाश चुराऊंगा और उसका चेहरा बिल्कुल मुझ जैसा बनाऊंगा, और उसके बाद मेरी जान भीमराव को आसानी से मौत का धोखा दूंगा। चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मानो कि जैसा कोई मेरा जुड़वा भाई हो। अब मैं भीमराव को मेरी मौत का धोखा बड़ी आसानी से दे सकता हूं। Thank you.
जिंदा हो गया और सब जिंदा हो गए और कोई नहीं है मुर्दा। मैं भी जिंदा हूँ। मैं भी जिंदा हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया। बस यही बात मैं तुम्हें बताने आई हूँ। बेचारा कितना बदनसीब था वो, ना तो जश्न मना सका ना ही अपने हिस्से की शराब पी सका। लो उसके हिस्से की शराब तुम पी लो। अब तो उसकी सारी दौलत, मेरा मतलब है तुम्हारे हस्बैंड को जो मिलने वाली थी वो तुम्हें मिलेगी। क्या दौलत मुझे मिलेगी? हाँ हाँ तुम्हें ही मिलेगी। तो फिर अच्छा हुआ कि वो मर गया। भीम! तुमने मुझे क्या पिलाया? तुमने मुझे जहर पिलाया? भीम! तुमने मुझे धोखे से जहर पिलाया? जो औरत दौलत मिलने की खुशी में अपने मरहूम पति की मौत का गम नहीं कर सकती, खुशियां मना सकती है, उस औरत का मर जाना ही ठीक है। उसका अंजाम यही होता है, यही। मजा आ गया डार्लिंग। तुम देखना मैं तुम्हें लंदन, अमेरिका, पेरिस, न जाने कहां कहां घुमाऊंगा। मुझे तो कहीं नहीं जाना है, बस तुम मुझ पे प्यार के खजाने लुटाते रहो और यूं ही मेरे साथ प्यार के गाने गाते रहो। खजाने से मुझे याद आया, हमें होटल हिलटॉप भीमराव के पास भी जाना है। चलो। पीटर, तीन मर गए। पीटर, तीन मर गए, अब सिर्फ दो ही बचे हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगी अपना इंतकाम पूरा करके। अरे आओ आओ, कम ऑन, बैठो। क्या बात है, जाम पहले से तैयार है। यार तुम अकेले, वो लोग कहाँ हैं? आ जाएंगे वो लोग भी। यार वो लोग कहाँ जाएंगे? लो शराब पियो। नहीं यार, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने बताया यार कि अगर मैंने शराब को छुआ तो मेरा लीवर पहले से सड़ा हुआ है।
और अगर दोबारा शराब पी तो ये मेरे बचने की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। तुम भी कमाल करते हो यार, तुम तो दो दो बोतल पीते हो और अब कहते हो कि लीवर खराब है, डॉक्टर ने मना किया है। खैर क्या कर सकता हूँ मैं भी, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें एक आसान मौत मारूंगा, लेकिन तुम तो ऐसी मौत मरना चाहते हो कि जिसमें बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या कर सकता हूँ। तुम भाग रहे हो? मैंने तुम्हारे पे 6 की 6 गोलियां चलाई और तुम अब तक जिंदा हो। मैं जानता था भीमराव कि तू कितना कमीना इंसान है, इसलिए मैंने पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। मुझे मालूम था तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मुझे मारने आया था, ये खुद ही मर गया। अब इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। यहां तो कोई भी नहीं है। अरे ये धुआं कैसा? कमाल है। क्या बात है पूजा, क्या सोच रही हो? अब तो तुम्हारा सिर्फ एक ही शिकार बाकी है ना, उससे बदला पूरा होते ही हम दोनों इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ चलेंगे, वहां रहेंगे हम। हाँ पीटर। मैं उन तीनों का इंतजार यहां कर रहा हूं। एक तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया, दूसरा खुद अपनी कार से कुचल कर मर गया, और तीसरे की लाश अपने आप मुर्दा खाने में पहुंच गई। पीटर की दौलत का कोई हिस्सेदार नहीं है, कोई हिस्सेदार नहीं है पीटर की दौलत का। ये सारी दौलत मेरी है, मेरी। अब मैं पीटर की कब्र पे जाकर फूल चढ़ाऊंगा। थैंक यू पीटर, थैंक यू। आज तुम्हारी सारी दौलत हमारी हो गई, आज से मैं एक शानदार जिंदगी गुजारूंगा। शानदार जिंदगी कैसे गुजारेगा भीमराव? तेरे हिस्से की जिंदगी तो तू जी चुका है, अब तुझे मरना है। ये तो पूजा की आवाज है। हाँ भीमराव, ये मेरी आवाज है। मैं मर गई हूँ लेकिन मेरी आवाज जिंदा है। तुम मर गई हो तो दूसरी दुनिया में चली जाओ ना, क्योंकि मरे हुए लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हाँ बहुत जरूरी काम है इस दुनिया में। काम था? कौन सा काम था? अपने दुश्मनों से बदला लेना था, सबसे तो ले लिया, बस एक तुम बचे हो। देखो मुझे मत मारना, याद करो उदित, मैंने तुमको धंधे से निकाला था, तुमको एक अच्छी से जिंदगी दी थी, है ना? दी थी ना, इसलिए प्लीज पूजा मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो पूजा। मैं तुम्हें माफ कर देती अगर सिर्फ तुमने मेरा खून किया होता, मैं तुम्हें जरूर माफ कर देती, क्योंकि तुमने मुझे धंधे से निकाला था, मगर 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 क्या? मगर तुमने मुझे अपने साथियों में बांट दिया भीमराव, वो मेरी इज्जत से खेलते रहे और तुम हंसते रहे, और तुम ये भी भूल गए कि औरत की इज्जत लूटने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, और ये दुख किसी शरीफ औरत को भी होता है और एक धंधा करने वाली को भी होता है, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी भीमराव, कभी नहीं। नहीं।
पूजा, तुमने अपना बदला ले लिया ना? हाँ ले लिया। तो फिर चलो इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ। चलो।